हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे एक बार फिर से बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन्स की बैटरी के रिलेटेड कुछ लेटेस्ट ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में, जिसके साथ आप अपने आईफोन की बैटरी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो iOS 17 के लेटेस्ट अपडेट के ऊपर। तो इस वीडियो में मैं यूज़ करने वाला हूँ आईफोन XR को। आप किसी भी आईफोन को यूज़ कर सकते हो जिसमें आपको बैटरी बैकअप बढ़िया देखने को नहीं मिल रहा है, और अपनी बैटरी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो इन टिप्स को फॉलो करके। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। सबसे पहले गाइस, आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो भी एप्लीकेशंस अपने डिवाइस पे यूज़ कर रहे हो वो अप टू डेट होनी चाहिए। अगर आपकी एप्लीकेशंस अप टू डेट नहीं है तो आपकी एप्लीकेशंस कई बार बैकग्राउंड में काफ़ी सारा जो बैटरी है वो कंज्यूम कर लेते हैं। तो इसीलिए आपको ऐप स्टोर के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है, अपडेट्स के ऊपर टैप करोगे तो यहाँ पर आपको अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। जो भी एप्लीकेशन अपडेट रिक्वायर करेगी तो आपको उन एप्लीकेशंस को अप टू डेट रखना है जो कि आप डे टू डे रूटीन में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। जैसे कि यहाँ पर इन दोनों एप्लीकेशंस के अपडेट अवेलेबल हैं, तो मैंने सिंपली इन दोनों ऐप्स को अप टू डेट रखना है क्योंकि ये मेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं मेरे डिवाइस के ऊपर। सेकेंडली, आपको जाना है सेटिंग्स में, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एयरड्रॉप। एयरड्रॉप में जाओ और ब्रिंग डिवाइस टुगेदर की ऑप्शन को ऑफ कर दो और सेलर डेटा को भी ऑफ कर दो, क्योंकि ब्रिंग डिवाइस टुगेदर का जो ऑप्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखते हो तो आपके डिवाइस में एक एनिमेशन प्ले होने लगती है जब कभी भी एक दूसरा डिवाइस आपके आईफोन के पास आएगा। तो इसीलिए जब भी आपको इस ऑप्शन को यूज़ करके अपने कॉन्टैक्ट्स को शेयर करना है, शेयर करने के बाद कम्प्लीटली इस ऑप्शन को ऑफ ज़रूर कर दें। उसके बाद आपकी जो एयरड्रॉप है वो ऑटोमेटिकली ऑन नहीं होगा। जैसे कि नेम ड्रॉप का फीचर जो है वो दो डिवाइसेस को स्वैप करने पर इनेबल होता है, तो वो फीचर ऑटोमेटिकली इनेबल नहीं होने वाला है। उसके बाद आपको जाना है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश के ऊपर, यहाँ से आपको इस ऑप्शन को ऑफ कर देना है क्योंकि ये जो ऑप्शन है आपकी बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस को रिफ्रेश करती रहती है और काफ़ी ज़्यादा बैटरी जो है वो कंज्यूम करती है। तो उसके बाद यहाँ से आपको देखने को मिलेगा बैटरी का सेक्शन, बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग पे जाओ, ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग और क्लीन एनर्जी चार्जिंग दोनों को ऑन कर देना है। तो यहाँ से इन दोनों ऑप्शंस को ऑन करने के बाद आपको जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लोकेशन सर्विसेज। तो उसके बाद स्वाइप अप करो, सिस्टम सर्विसेज पे जाओगे तो यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंट लोकेशन को ऑन ज़रूर कर देना है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है अगर आपने नहीं ऑन करी तो आपका जो डिवाइस है वो रात के टाइम पे आपके डिवाइस को ओवरचार्ज करता रहेगा, इसीलिए ये ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे, और यहाँ पर आपको ट्रैकिंग के ऑप्शन को ऑफ के ऊपर सेट कर देना है। ये जो ऑप्शन है बैकग्राउंड में आपकी एप्लीकेशंस को ट्रैक करती रहती है और बैटरी जो है वो बेफालतू यूज़ करती रहती है। उसके बाद आपको जाना है साउंड एंड हैप्टिक्स में, यहाँ से आपको हैप्टिक्स को नेवर प्ले के ऊपर सेट कर देना है, क्योंकि जो आईफोन्स में हैप्टिक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बैटरी को कंज्यूम करते हैं। अगर आप कीबोर्ड में भी हैप्टिक फीडबैक को यूज़ करते हो तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कीबोर्ड में हैप्टिक्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा बैटरी को कंज्यूम करते हैं, इसीलिए आपको हैप्टिक्स को यहाँ से ऑफ ही रखना है अपने डिवाइस के ऊपर। उसके बाद अगर आपके पास OLED डिस्प्ले वाले डिवाइसेस हैं तो आपको उनमें डार्क मोड को हमेशा यूज़ करना चाहिए। तो OLED डिस्प्ले के साथ क्या होता है कि जो ब्लैक कलर होता है वो आपको ब्लैक देखने को मिलता है, जिनमें OLED डिस्प्ले नहीं आते हैं उनमें जो ब्लैक है वो आपको ग्रे कलर में देखने को मिलते हैं। इसलिए जो OLED डिस्प्ले के साथ आईफोन आते हैं उनमें आपको हमेशा डार्क मोड को ही प्रेफर करना चाहिए। तो इन टिप्स को फॉलो करके आप काफ़ी बढ़िया बैटरी बैकअप निकाल सकते हो और बैटरी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा मेन बात आती है अपनी चार्जिंग के ऊपर, आप कैसे अपने डिवाइस को चार्ज करते हो। तो गाइस, अगर आप अपने डिवाइस को डे टू डे रूटीन में 100% चार्ज करते हो, एक दो बार, तीन बार या चार बार, तो इसके बाद क्या होता है कि आपका जो डिवाइस है वो सीधा ही आपके साइकिल काउंट्स को काउंट कर लेता है जब आप 0 से लेकर 100% तक चार्ज करते हो अपने डिवाइस को। इसीलिए आपको अपने डिवाइस को 30 से लेकर 80% तक चार्ज करना चाहिए पूरे हफ्ते में। इस तरीके से आपके जो बैटरी साइकिल काउंट्स हैं वो मेंटेन रहते हैं और आपको बढ़िया बैटरी बैकअप देखने को मिलता है अपने डिवाइस के ऊपर, और आपकी बैटरी हेल्थ भी इतनी जल्दी ड्रॉप नहीं होती है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, अपने चैनल को भी जो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को जो प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।